Yes, good morning everyone. So in our last class we did midpoint theorem. Yes. Midpoint theorem says that if in a triangle a line drawn from two sides, the line segment joining the midpoint of two sides of a triangle is parallel to third side and is half of it. This is the midpoint. And then we have the converse of midpoint. Converse of midpoint states C theorem 8.10 and 8.10. 8.10 theorem is the converse of midpoint theorem. We are not to do the proof of this theorem. Earlier we used to do this proof also, but now the proof is not in your syllabus. So, but you have to, this proof is used in the questions. ठीक है, क्या प्रूफ है? क्या कहते हैं, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड. व्हाट डज कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम सेज, कहते हैं अगर कोई एक ट्राइंगल है ए, समझ लो ए बी सी, दिस डी इज द मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट एंड द लाइन ड्रॉन फ्रॉम वन साइड of a triangle from the midpoint is parallel to third side, is parallel to the another side, it bisects the third side. मतलब अगर एक ट्राइंगल में एक साइड में मिडपॉइंट है, उससे एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं विच इज पैरेलल टू द सेकंड साइड, तो थर्ड साइड पे जहां वो जाके मीट करेगी, इट विल बाइसेक्ट द थर्ड साइड, मींस ए ई विल बी इक्वल टू सी ई. ये कन्वर्स है मिडपॉइंट का. मिडपॉइंट थ्योरम क्या कहती थी कि अगर ये दोनों मिडपॉइंट्स हैं तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी और ये लाइन इसके हाफ होगी. ठीक है, कन्वर्स क्या कहता है कि अगर एक ट्राइंगल में मिडपॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं विच इज पैरेलल टू द सेकंड साइड, देन दैट लाइन वेयर इट विल मीट द थर्ड साइड, इट विल बाइसेक्ट, मतलब वो हाफ में ही ड्रॉ होगी. क्यों? क्योंकि यहाँ मिडपॉइंट है, ये मिडपॉइंट से ड्रॉ हो रही है, वो पैरेलल भी है, तो 100% जब वो सीधा जाके जिस साइड को मीट करेगी वो सामने वाली साइड को दो इक्वल हिस्से में डिवाइड करेगी. बात समझ में आ गई? यस. सो यू विल राइट इन योर नोटबुक कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ओनली स्टेटमेंट, राइट? ओके, नहीं करना. नाउ कम टू एक्सरसाइज 8.2. First question, don't talk, make the figure ABCD is a quadrilateral. जरूरी नहीं है जैसे उन्होंने ऐसे टेढ़ा सा क्वाड्रिलेटरल बनाया है तो आप ऐसे बनाओ, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी बना सकते. ठीक है, ABCD is a quadrilateral, PQRS are the midpoints. ये PQRS. क्या बात है बेटा, सिर्फ दो चार लाइनें छोड़नी है, सिर्फ स्टेटमेंट लिखनी है, प्रूफ करना नहीं है. तो हेडिंग दोगे बड़ी बड़ी, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम और उसकी स्टेटमेंट, क्योंकि पेपर में आपको स्टेटमेंट भी पूछी जा सकती है. नाउ योर पेपर विल बी सब्जेक्टिव, राइट? सो इट कैन बी आस्क्ड, what is the statement of converse of midpoint theorem, so you have to learn this. And moreover, the converse of midpoint theorem is applied in the questions which we are going to do in exercise 8.2. fine, thodi si jagah chhodni hai, do panch six lines, uske baad 8.2 start karni hai. 8.2 ka first question, this is the quadrilateral, PQRS are the midpoints, AC is the diagonal. चाहे डॉटेड लाइन बना लो, चाहे डार्क लाइन बना लो, इट इज योर विश. ठीक है, एक मिनट, आप दोनों बेटा अलग अलग बैठो प्लीज प्लीज. जरूर, हाँ वैसे डॉटेड ही होती है वो, अलग उसको सेपरेट करने के लिए, बट आप डार्क भी बना लोगे तो गलत नहीं होती. हेलो हरी, बैठो दिव्या के साथ. प्लीज बेटा, काम बहुत पीछे चल रहा है. सो गिवन, गिवन लिख लोगे खुद?
सारा एज इट इज ही लिखना है जैसे बुक में है, एबीसी. प्लीज लीव द स्पेस, डोंट राइट अभी, लिखो नहीं, ठीक है, बाद में लिख लेना. ABCD is a quadrilateral. PQ RS are the midpoints of sides AB, BC, CD, DA. AC is the diagonal. So as it is, you have to write the given. Then to prove, ये तीनों parts to prove में. अब देखो how to prove. So directly I'm starting with the proof. इधर देखो. In first part, we have to prove SR is parallel to AC and SR is half of AC. It is so easy. See, this is a triangle. ये एक triangle है. ADC है ना? S and R are the midpoints. And so by converse of midpoint theorem, by midpoint theorem, can we say that SR is parallel to AC and SR is half of AC. ये एक ट्राइंगल बन गया ना, ये देखो DAC, ये मिड पॉइंट्स हैं. तो हमारी मिड पॉइंट थ्योरम ये समझ आ गई अब. S and R are the midpoints. If these are the midpoints, then we can say SR is parallel to AC and SR is half of AC. First part proof हो गया. PQ is equal to SR, बताइए. PQ is equal to SR करने के लिए हम ये नीचे वाला ट्राइंगल लेंगे. P and Q are the midpoints of AB and BC. Therefore, by midpoint theorem, PQ is equal to AC and PQ is half of. Sorry, PQ is parallel to AC and PQ is half of AC. तो ये दोनों आपस में क्या आ जाएंगे? Equal and parallel. So therefore, when one pair of opposite sides are equal as well as parallel, therefore PQRS will be a parallelogram. So, so easy. ठीक है? So write down proof. बेटा वो लिखना है, खुद लिखना है. जगह छोड़ दो, इतना टाइम नहीं है हमारे पास. ठीक है? अपनी नोटबुक्स घर पे जाके खोला करो, रिवाइज किया करो, पता चल जाएगा. गिवन टू प्रूव नहीं लिखा, फिर लिख लोगे. इन ट्राइंगल ADC, S is midpoint of AD, R is midpoint of BC. This implies SR is parallel to AC and SR is half of AC. यहां पर लिखना है रीजन बाय. अगर नहीं लिखोगे वन नंबर कटेगा. चाहे आप यहाँ पे लिख दो, साइड पे लिखने की बजाय इसके ऊपर लिख दो. Therefore, by midpoint theorem, SR is parallel to AC and SR is half of AC. Also, in triangle ABC, पूरा लिख देंगे. P एंड Q आर 31 लिख लो. P एंड Q आर मिड पॉइंट ऑफ AB एंड BC. देयरफॉर PQ इज पैरेलल टू AC. PQ इज हाफ ऑफ AC. इसको दिया दो बेटा, नंबर वन, इसको नंबर टू. फिगर आई एम गोइंग टू रब. पीक्यू को एसआर के इक्वल भी, और फिर थर्ड पार्ट है कि वो पैरेललोग्राम. ये हो गया. अब लिखेंगे हम फ्रॉम 1 and 2. See beta, board pe dekho. AC is, SR is parallel to AC. Ya aise dekho. AC is parallel to SR. AC is parallel to PQ. So SR is parallel to PQ. Agar ek line do lines ke parallel hai, to do jo dusri line, ye line iske parallel, ye AC hai. AC iske parallel, ye iske bhi parallel. To aapas mein ye dono lines bhi kya ho jayengi? Parallel.
ठीक है। इसी तरह से जो ये लाइन है इसके हाफ के इक्वल है, ठीक है। इसमें बैठे 10 बच्चे, इसमें बैठे 5, यहाँ 5 बच्चे हैं, ये लाइन के बच्चे इस लाइन के हाफ के इक्वल है, ये लाइन के बच्चे भी इस लाइन के हाफ के इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों लाइन में बच्चे बराबर बैठे हैं। बात समझ में आ गई। सो फ्रॉम 1 एंड 2 वी विल राइट PQ इज पैरेलल टू SR एंड PQ इज इक्वल टू SR। दिस इज अवर सेकेंड पार्ट। Therefore, PQRS is a parallelogram. यहाँ पे हम रीजन लिख देंगे। If one pair of opposite sides of a quadrilateral is equal and parallel, then quadrilateral is a parallelogram. प्रांशी समझ आया क्वेश्चन बेटे? के बस नोट करने में ही ध्यान है। अच्छा बच्चा है ना, तो अच्छे से समझना है। समझा दिया कर इसको फ्री टाइम में सिमरन, समझती है? फिर बोला ये कमेंटिंग के बगैर तो पूरा होने नहीं है, इसने लास्ट में बोलना ही बोलना है। हाँ ये हरी अप हरी अप। बी क्विक एंड रीजन में इज इक्वल एंड पैरेलल देन क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। अच्छे से रिवाइज किया करो बेटे, वी कैन ओनली जस्ट गाइड यू। नहीं सब नहीं करते, घर पे बैठकर अच्छे से कॉपी एक्सरसाइज खोली, नोट्स खोले, साइलेंटली गिव 1 आवर टू 1 एक्सरसाइज। अगर आप सिंसियरली एक एक्सरसाइज को बिल्कुल पढ़ोगे ना कि हाँ हम मैंने ये करना है, मैंने ये क्वेश्चंस लर्न करने हैं, कोई डिस्टर्ब ना करे फॉर दैट 1 आवर, देन ऑब्वियसली 100% यू विल लर्न दैट क्वेश्चंस। चलते फिरते टीवी देखते मोबाइल देखते ऐसे रैंडम देखोगे फिर वो क्वेश्चंस दिमाग में बैठते नहीं है। पेपरों में बेटा ऑल टुगेदर सारा सिलेबस करना मुश्किल हो जाता है। तू चुप कर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। हमारा बेटा मैं तो समझा ही सकती हूँ, अल्टीमेटली तुमने ही करना है, लॉस किसका होता है तुम्हारा। सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, ABCD is a rhombus and PQRS are the midpoints of the sides. Show that PQRS is a rectangle. अब ये क्वेश्चन देखो, ABCD क्या है? Rhombus. तो फिगर इस तरह से बनानी है कि चारों साइड्स इक्वल हों। क्या सी? R ऐसे मिसप्रिंट है, R द लिखा है, ऐसे लिखा है, कुछ नहीं है। आर द मिड पॉइंट्स, वो कुछ नहीं है, ठीक है। इधर देखो बेटा, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ऑल द फोर साइड्स इक्वल। बनाओगे तो इक्वल इक्वली थोड़ा जरा सा फर्क हो जाए साइड्स में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि हमने क्वेश्चन में तो ए बी सी डी को रोम्बस ही लिया है। बट जब बनाओगे तो थोड़ा और ना बना देना, ऐसे ना बना देना उसको, नहीं ऐसे बनाओ पैरेललोग्राम की तरह, ठीक है, पैरेललोग्राम की तरह बनाना है लेकिन चारों साइड्स इक्वल जैसे। ओके नाउ पी, और हमेशा ये ध्यान रखना कि वहां पे लिखा है, सुनो मेरी बात, पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। तो पी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट होना चाहिए, ये नहीं कि ए यहां से शुरू करो और पी यहां लिख दिया, ऐसे नहीं करना। ए बी सी डी और पी यहां ले लिया तो पूरा क्वेश्चन गलत, बिकॉज व्हाट इज रिटन इन द क्वेश्चन यू हैव नॉट टेकन द अल्फाबेट्स अकॉर्डिंगली। गिवन होता है,
गिवन क्यों ना हो, फिर तो ऑब्वियसली अगर गिवन ना हो जो मर्जी लो, बट क्वेश्चन में कुछ तो गिवन है ही है ना. पी क्यू आर एस. नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट दिस पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल. इन नंबर क्वेश्चन नंबर वन व्हाट वी हैव प्रूव्ड, वी हैव प्रूव्ड दैट दिस पी क्यू आर एस इज व्हाट, व्हाट वी हैव प्रूव्ड इन क्वेश्चन नंबर वन. हेलो, क्या प्रूव किया रेजा, किसको, उसको, किसको, सेंटर वाले को, पी क्यू आर एस को. अब हमने प्रूव करना है कि ये एक रेक्टेंगल है. कैन एनीवन टेल? यस, अगर पैरेललोग्राम का एक एंगल भी हम 90 प्रूव कर दें तो हम लिख सकते हैं कि वो क्या है, रेक्टेंगल. इसका मतलब हमें ये वाला एंगल 90 प्रूव करना है. तो ये क्वेश्चन बड़ा, थोड़ा ध्यान से समझना. इस एंगल को 90 प्रूव करने के लिए सबसे पहले ये सारा क्वेश्चन नंबर वन है ना जो दोबारा लिखोगे, समझ आ गई, सेम एज नहीं लिखना बेटा, पूरा दोबारा लिखना है. यू विल लीव वन पेज एंड यू विल राइट फुल क्वेश्चन अगेन, ठीक है, वरना पेपर्स में तुम्हारा अगर ध्यान नहीं गया, तुमने सिर्फ आगे वाला पोर्शन सॉल्व कर दिया, देन अगेन यू विल गेट जीरो और हाफ क्रेडिट फॉर द क्वेश्चन, क्योंकि तुमने मेन पार्ट जो ये पैरेललोग्राम है वो प्रूव ही नहीं किया. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सेम टू सेम, सेम टू सेम फिगर है, सेम टू सेम. उसके बाद एंगल्स मार्क करेंगे. युग एबीसीडी बेटा रोम्बस है, ये सेंटर वाला जो बना है ना, इसको पैरेललोग्राम प्रूव किया था हमने फर्स्ट क्वेश्चन में. तो ये सारा जो भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया, ये तुमने दोबारा सेकंड क्वेश्चन में शुरू कर गिवन टू प्रूव लिख के जो क्वेश्चन में है, उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन का प्रूफ से शुरू करके एंड तक यहाँ तक लिखना है. इसके बाद आगे करना है, आगे क्या करना है देखो, वी हैव टू प्रूव दैट दिस एंगल इज 90. रेणुका बोर्ड पे देखो. तो सबसे पहले हम इस एंगल वन टू को इक्वल करेंगे. कैसे करेंगे? ये रोम्बस है तो ये साइड इसके इक्वल, इसका हाफ इसके हाफ के इक्वल. PB is equal to BQ. Can we write? तो एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. वन टू के इक्वल आ गया. फिर हमारा नेक्स्ट है कि हमने ये वाला एंगल थ्री इस एंगल ना 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 सेम कैसे? नहीं नहीं नहीं, इस एंगल और इस एंगल को इक्वल प्रूव करना है. कैसे करेंगे? ये जो छोटे ट्राइंगल्स है ना, इसका यही तरीका है. देयर इज नो अदर मेथड टू प्रूव दिस क्वेश्चन अदर देन दिस. इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. ये एपी जो है वो अपने उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, कॉरेस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंग वो इसके इक्वल. एएस जो है वो इसके इक्वल, बिकॉज ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, तो उनके हाफ हाफ भी इक्वल है, ठीक है. एंड द थर्ड रीजन इज ये इसके इक्वल, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. समझ आ गई बात? सो बाय एस 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 द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. If the triangles are congruent, then angle 3 is equal to angle CPC. हो गया? इसके बाद बेटा इन angles को लेना है. ये 5 और ये 6. 5, 6 के equal proof करना है. 5, 6 के equal क्यों proof करना है? क्योंकि हमारा ये parallelogram है. Ultimately हमें 5, 90 लेकर आना है ना? हम ये लिख सकते हैं 5 plus 6 is. ये तो हम starting में भी लिख सकते थे ना? 5 plus 6 is 180. इसको इक्वल और इसको इक्वल लिखना पड़ा. फिर ये इक्वल कैसे आएंगे? ये पूरा एंगल स्ट्रेट लाइन है 180, ये भी पूरा नहीं लीनियर नहीं स्ट्रेट एंगल तीन है, ये भी तीनों एंगल्स का सम 180. तो मैं लिख सकती हूँ इधर देखो, 1 प्लस 5 प्लस 3 180 है और 2 प्लस 4 प्लस 6 भी 180 है. तो आपस में ये 1 2 के बराबर, 3 4 के बराबर, तो 5 6 के बराबर. जब 5 6 के बराबर है तो 5 प्लस 6 180. को इंटीरियर एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 each 90 degree. So therefore PQRS is a parallelogram with one angle 90. Then we can say it is a parallelo, it is a rectangle.
नहीं बेटे, जो एंगल देखो वन प्लस टू 180 डिग्री कहाँ है? एक मिनट, क्या बोल रही है दिमाग? कोई भी लिख सकते थे मतलब? नहीं नहीं, क्या कोई, ये तीनों एंगल्स का सम 180 है तो बेटा यही तीन एंगल्स लिखोगे, ये तीनों एंगल्स का सम 180 है तो यही तीन एंगल्स लिखोगे, कोई भी क्या लिख सकते हैं? मुझे समझ नहीं आई आपकी बात, मतलब इनको इंटरचेंज कर सकते हो? हाँ, तेरी मर्जी है, तू ये ले ले 1 2 3 4 5 6, बट जो एंगल्स लोगे उसके अकॉर्डिंग ही प्रूफ में चलना है। ठीक है, प्रूफ करें, एंगल्स मार्क करो बेटा, फिगर दोबारा बनाओ और एंगल्स मार्क करो। बातें नहीं, रिद्धिमा कोई भी नंबर कहीं भी ले सकते हो। हाँ, एक मिनट बोलो। हाँ, इधर फिगर बनाओ दोबारा से, एंगल्स मार्क करो। सेकंड क्वेश्चन के लिए अलग से फिगर बनेगी, पहले क्वेश्चन जैसे ही है बट इसमें एंगल्स मार्क करोगे। हाँ बोलो। हमने यहाँ पे लिखा DAC is equal to BAC। BAC नहीं, मैंने ऐसी एग्जांपल बता रही हूँ, तो DAC plus BAC हमने 180 डिग्री है तो हम 2 DAC कर देते हैं और वैसे निकाल देते हैं ना। ऐसे मैं पूछ रही हूँ कि 153 या 246 में से हम कोई भी ऐसे 1 + 5 + 3 ऐसे लिख के 1 कर सकते हैं और प्लस एंगल 2 180 डिग्री, तो एंगल 1 एंगल 2 कैसे 180 डिग्री? नहीं 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 नहीं, जो हाँ हमने 5 को 90 करना है ना तो बीच वाले को ही रखना पड़ेगा, ऐसे नहीं ना कि तू जो इक्वल है वही काट सकती है ना। 5 और 6 का तो इक्वल है ही नहीं तो उनको काट थोड़ी सकते हो आप। ठीक है, साहिल एंड राघव, नहीं कौन सा क्वेश्चन? लिख लो ज्वाइंट नहीं ना गिवन क्वेश्चन में, लिखो गिवन टू प्रूफ के बाद लिखो कंस्ट्रक्शन ज्वाइन एसी। कंस्ट्रक्शन में लिख लो ज्वाइन एसी, नहीं भी लिखते ना बेटा तो उसके इतने नंबर नहीं कटते क्योंकि क्वेश्चन इटसेल्फ ही बहुत बड़ा है। ठीक है, उसके बाद बच्चे आपने सारा क्वेश्चन नंबर 1 प्रूफ करना है तो लीव 1 पेज, स्टार्ट फ्रॉम द अदर पेज। अब हम लिखेंगे इन कंटिन्यूशन, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, दिस इंप्लाइज ए बी इज इक्वल टू, be quiet, a b c d is a rhombus, this implies a b is equal to b c, rhombus hai to sari sides equal hoti hai na, haan given hai, half of a b is equal to half of b c, we can say b p is equal to b q, this implies angle 1 is equal to angle 2, angles opposite to equal sides are इसको दे दो नंबर 3, इसको बेटा दे दो नंबर 3 क्योंकि 1 और 2 हमने किसको दिया हुआ है अपने फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है ना, तो वो कंटिन्यूशन में आएगा, इसको दोगे नंबर 3। नाउ करेंगे तो कॉन्ग्रुएंट, मैं देख रही थी रीजन पहले लिखवा दूं के बाद में लिखाऊं। इन ट्रायंगल एपीएस, इन ट्रायंगल एपीएस एंड ट्रायंगल सीक्यूआर
पी एस इज इक्वल टू क्यू आर, ठीक है, ट्राइंगल के नियम। ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, एक मिनट, हाँ सही है, कुछ भी तुझे कह रही हूँ, कुछ भी साहिल को बोला सही है। ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, वाई, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू बी सी, हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, बस इतना बहुत है। उसमें हमने ये लिया ना बेटे, उसमें हमने ये लिया, अगर ये पूरी साइड इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल, तो बाकी का दूसरा वाला पार्ट आप यहां पर लिख लो, एंड ए पी इज इक्वल टू सी, यहां लिख लो, तो यहां लिखने की जरूरत नहीं है, फिर यहां लिख सकते हो बेटा, ऐसे ना रट्टे नहीं लगाने की, यहाँ ये लिखना है, यहाँ ये लिखना है, क्वेश्चन को समझना है, जो आप लेके चल रहे हो चीज को लिखना है आपने कि ये इक्वल है, वो क्यों इक्वल है, वो चाहे आप साइड पे लिखो चाहे ऊपर लिखो, जैसे मर्जी वो चीज लिखी होनी चाहिए, बिकॉज यू आर यूजिंग दैट। ओके, सो इफ हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, देन वी हैव टेकन ये दोनों साइड इक्वल इन ऑर्डर टू प्रूव एंगल वन इज इक्वल टू टू, we will take this equal in order to prove these two triangles congruent, ठीक है, proved above लिख लो, यहीं पे लिख लो, AP is equal to CQ, ठीक है, reason में भी लिख सकते हो, दूसरा AS is equal to, sorry PS is equal to QR, opposite sides of parallelogram are equal, we have proved that PQRS is a parallelogram and AS is equal to CR, AS is equal to CR, half of AD is equal to half of CD, board पे देखिए, AS is equal to CR लिया है, ये rhombus है, तो ये वाली side इसके भी क्या है, equal, अगर पूरी side के equal है, तो half, half के equal, AS is equal to CR लिख सकते हैं, ये पूरा पूरे के इक्वल, तो हाफ हाफ के इक्वल, ठीक है, सो देयरफॉर ट्राइंगल APS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQR बाय SSS रूल, दिस इंप्लाइज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 CP CT, गिव इट अ नंबर 4। Now, angle 1 plus angle 5 plus angle 3 is 180. Straight angle. Angle 2 plus angle 6. Again, straight angle. Get up, kar rahi hun. Beta, ye. ये दोनों 180 के इक्वल हैं, राइट हैंड साइड्स आर इक्वल, सो लेफ्ट हैंड साइड्स आर आल्सो इक्वल, दिस इंप्लाइज एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 4, 1 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 4, यहां लिख लो, व्हाई वी हैव कट फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, ये हमारा रीजन है, this implies angle 5 is equal to, also PQRS is a parallelogram, therefore angle 5 plus angle 6 is 180 degree, co-interior angles twice of angle 5 is 180, angle 5 is 90. You people are so slow. Now, PQRS is a parallelogram with angle P 90,
दिस इंप्लाइज टी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल. मीन्स एक एंगल को 90 प्रूव करने के लिए हमें ये सब करना होगा. लिख लिए सर जी का ये सब लिख Thank you.